हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट का आपको डेली का विड्रॉ लिमिट कितना तक का मिल सकता है और आपको मंथली लिमिट कितना तक का मिल सकता है। अगर आप एटीएम के थ्रू पैसे निकासी करते हैं तो आपको कितना लिमिट मिल जाता है। अगर आप एईपीएस के थ्रू पैसे निकासी करते हैं तो आपको कितना तक का विड्रॉ लिमिट मिल जाता है। हम आपको ए टू जेड सारे जानकारी कर देते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। दोस्तों, अगर आपका आरडीएस पे सीएसपी यानी कि भारत मनी स्टोर का अकाउंट है, इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट, तो उसमें आपका महीने में 5 बार आप पैसे निकासी कर सकते हैं फिंगर केवाईसी डाल के एईपीएस के थ्रू। आप 5,000 करके निकालो, 10,000 करके निकालो या फिर 100 करके निकालो, आपको महीने में 5 बार ही विदड्रॉ करने का लिमिटेड मिल जाता है। अगर आप चाहे तो 10,000 करके 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक दिन में 30,000 तक का विदड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा दिन में 10,000 करके 2 बार विदड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि टोटल आप 50,000 तक का विदड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप पैसे निकासी नहीं कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप चाहे तो एईपीएस में आधार पे का ऑप्शन आ जाता है। आधार पे के जरिए आप एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो आप 10,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, आरडीएसपी सीएसपी इंडसइंड बैंक अकाउंट में आपका कोई भी कस्टमर का डेबिट कार्ड नहीं मिलता है जो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे निकासी कर सकते हैं। अगर आप लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं, तो आपका आरडीएसपी सीएसपी का जो मेन ब्रांच है वहाँ पे जाके विजिट करने के बाद ही आपका आरडीएसपी सीएसपी अकाउंट का लिमिट बढ़ा सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। एंड दोस्तों, आप आईबीआर बैंकिंग करके भी इंडसइंड बैंक का 10,000 तक का विड्रॉ निकासी कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आईबीआर बैंकिंग कैसे किया जाता है उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख के आपको पता चल जाएगा आईबीआर बैंकिंग कैसे करना होता है। दोस्तों, आरडीएसपी सीएसपी जो मर्चेंट आईडी होता है, उनका डेबिट कार्ड के थ्रू आप डेली का 1,25,000 तक का विड्रॉ कर सकते हैं। महीने में 5 ट्रांजेक्शन आप इंडसइंड बैंक एटीएम मशीन छोड़ के दूसरा एटीएम मशीन में 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको 20 से लेकर 23 रुपया तक का चार्जेस लगता है। अगर आपका इंडसइंड बैंक का मेन ब्रांच का अकाउंट है तो आप वहाँ पे एटीएम कार्ड भी मिल जाता है, साथ में चेक बुक का फैसिलिटी मिल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटी मिल जाता है, आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिल जाता है। इंडसइंड बैंक मेन ब्रांच में आपको बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आप अपने हिसाब से लिमिट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और कुछ भी वहाँ पे कर सकते हैं। एक एटीएम कार्ड छोड़ के आप दूसरा एटीएम कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं अलग से प्राइस देने के बाद। दोस्तों, आरडीएसपी सीएसपी का अगर आपका इंडसइंड बैंक का सेविंग अकाउंट है तो आप अदर एईपीएस में भी जाके पैसे निकासी कर सकते हैं, अदरवाइज आप आरडीएसपी सीएसपी एप्लीकेशन के जरिए भी आप आधार विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मेरे भाई।